हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है वेडनेसडे और मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। अभी हुआ है मॉर्निंग के 7 o'clock और अभी मैं मेरे हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। 1 घंटा पहले मेरे बेटे भी स्कूल चले गए हैं और मैं आज ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा बनाऊंगी। मैंने पुष्कर को भी वही दिया है टिफिन में आलू का पराठा और प्रशांतों के लिए भी मैं ब्रेकफास्ट वही बनाऊंगी और मैं नहीं खाऊंगी आलू का पराठा क्योंकि पराठा टाइप का कुछ मुझे ज़्यादा खास कुछ पसंद नहीं है। तो मैं कुछ देखूंगी, ब्रेड भी है और ओट्स भी है, कुछ खा लूँगी। और मेरे हस्बैंड को मैं टिफिन में, जैसे कि वो फ्रूट्स लेते हैं, मतलब लंच में 4-5 टाइप का फ्रूट्स खाते हैं वो, और वो मैं दूंगी उसको। तो अभी 7 बज रहा है क्योंकि 7:30 के अंदर उसको ब्रेकफास्ट देना है प्रशांत को, तो मैं वही अभी बना लेती हूँ। मैंने आटा गूंद के रखा है और आलू का जो स्टफिंग होता है वो मैं इसमें कल मैंने बना के रखा है क्योंकि मॉर्निंग में उतना टाइम नहीं मिलता वो स्टफ बनाने का। तो ये मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं ये किस तरह से बनाई आलू से, कैसे किस तरह से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें है, ये सारी चीज़ मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूंगी। और जैसे पराठा बनते हैं वैसे ही बनाऊंगी। तो मैं काम शुरू करती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना है क्योंकि कुछ चीज़ है मुझे लेने के लिए, जैसे कि ग्रॉसरी का कुछ, जैसे दाल ख़त्म हो गया है, कुछ सब्जी भी, जैसे ग्रीन चिलीज नहीं है घर में क्योंकि मैं ज़्यादातर ग्रीन चिलीज ऐड करती हूँ कुकिंग में, और टमाटर नहीं है, बहुत कुछ चीज़ नहीं है। तो उसी के लिए मैं जाऊँगी, थोड़ा मार्केट जाऊँगी। उसके बाद लौटने के बाद मैं देखती हूँ, मैं लौटने के बाद भी ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ या ब्रेकफास्ट करके जा सकती हूँ, देखती हूँ। और उसके बाद मुझे लंच की प्रिपरेशन करना है तो मैं जल्दी से पहले ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने चाटू जो है, मतलब तावा जो है, ये लोहा का तावा है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। कभी कभी नॉनस्टिक का भी करती हूँ लेकिन नॉनस्टिक मैंने छोड़ दिया है, तो इसलिए नॉनस्टिक का जो तावा है वो बिल्कुल नया है लेकिन पड़ा है, तो मैं लोहा के ये तावा मैं अभी यूज़ करती हूँ। एक्चुअली ये मैं इंडिया से लाई हूँ 10 साल पहले, बहुत दिन पहले का है ये, तो इसका ये बिल्कुल ब्लैक हो गया है क्योंकि ये घिस घिस के, मतलब वॉश करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए ब्लैक हो गया है ये। और ये गर्म हो गया है, अभी मैं ये दे दूंगी पराठा।
मार्केट से आ गई और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। अभी 10 बज चुका है, 10:30 बज रहा है शायद, हाँ 10:30 ही बजेंगे। अभी मैं की जो लंच है उसकी तैयारी करूँगी, क्योंकि और भी थोड़ा बहुत काम है मेरा, मतलब घर का, क्योंकि बहुत सारे ढेर सारा कपड़ा पड़ा है मेरा, वो मैं वॉशिंग मशीन में डालूंगी, फिर मुझे सुखाना भी होगा। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज बहुत धूप है, तो बाहर मैं और वो जितने सारे कपड़े हैं वो सब बहुत अच्छा है, तो उसका उसको मैं बालकनी में नहीं सुखा सकती हूँ, क्योंकि इतना धूप है, इतना तेज़ है धूप कि वो उसका रंग जो है बिल्कुल फेड हो जाएगा। तो घर में ही मुझे सुखाना है वो सारी चीज़, तो वो भी करना है। और मैंने मेरा बेड वगैरह ये सब पूरा पूरी तरीके से ठीक नहीं किया, वो भी ठीक वगैरह करना है, क्योंकि मैं सब छोड़ छाड़ के चली गई थी। तो अभी मैं लंच की जो तैयारी है वो करूँगी और चिकन करूँगी, और नॉर्मल जैसे चिकन करी मैं करती हूँ वही करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। तो अभी शुरू करती हूँ काम। अभी मैं इसमें योगर्ट है, योगर्ट मैं डाल दूंगी। और योगर्ट के साथ मैं इसमें डालूंगी नमक थोड़ा सा और, क्योंकि तब मैंने बहुत कम नमक दिया था। अब ये चिकन अगर बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें गरम मसाला और थोड़ा सा घी मैं इसमें देकर गैस बंद कर दूंगी, क्योंकि अभी चिकन कुक नहीं हुआ है, इसलिए कुक होने के बाद ही ये सारी चीज़ करूंगी। हेलो, तो मेरा अभी खाना बन चुका है, अभी मैं नहाने के लिए जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक फेस मास्क यूज करूंगी। एक्चुअली ये हाइड्रेटिंग गार्नियर स्किन केयर का है, गार्नियर का है, ये एक हाइड्रेटिंग टिश्यू मास्क है, पेपर मास्क भी कह सकते हो। तो इसको फेस क्लीन करके फिर इसको लगाना है, मुझे पता भी नहीं है पहली बार मैं लगा रही हूँ ये। ऐसा होगा, ये पहले कभी मैंने अप्लाई नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैं अप्लाई कर रही हूँ।
ये 50 मिनट्स हो गया है और मैंने इसको रिमूव कर दिया है, और जैसे कि उधर बोला गया है कि इसको अच्छी तरह से मसाज करने के बाद कोई भी कॉटन पैड से इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर ये एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में तो ठीक है, और नहीं तो कॉटन पैड से इसको रिमूव कर सकते हैं। ये स्किन को हाइड्रेट करता है। पता नहीं है, मैंने कभी यूज नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रही हूँ। वैसे मैं कभी भी गार्नियर का प्रोडक्ट कभी भी यूज नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रही हूँ ये। ऐसा कुछ देखने से मतलब देख के कोई फर्क आप नहीं समझोगे। तो अभी आप देख सकते हो मेरी स्किन, मुझे लग रहा है कि फ्रेश लग रहा है, स्किन बहुत ही फ्रेश लग रहा है, फ्रेश फील होगा। तो पता नहीं ये वीक में मतलब 7 दिन में एक बार करना चाहिए ये, ऐसा ही मतलब उधर लिखा हुआ है। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम किया है, देखेंगे अगर अच्छा कुछ रिजल्ट। हाँ अच्छा है, अच्छा है, तो मैं नेक्स्ट वीक भी करूँगी। और ये जो टिश्यू मास्क है गार्नियर का जो मैं यूज़ कर रही हूँ, वो इसका प्राइस है 10 दिराम, मतलब एक मास्क 10 दिराम। थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि एक मास्क 10 दिराम मतलब कॉस्टली है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का तो लंच तो हो गया है और अभी बज रहा है 3:30 और मैं अभी बना रही हूँ स्मूदी। एक्चुअली गर्मी की मौसम में थोड़ा दोपहर में स्मूदी खाने का मन करता है, और ये स्मूदी मैं नहीं पीऊँगी, एक्चुअली पुष्कर को पीना है स्मूदी। एक्चुअली वो मतलब शाम के टाइम में बहुत गर्मी भी बहुत है और शाम के टाइम में कभी कभी जूस मांगता है, तो मैं आज सोची कि उसको स्मूदी बना के दूँ। और जो स्मूदी मैं अभी बनाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्मूदी में क्या क्या मैं इसमें दे रही हूँ स्मूदी में, तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो स्मूदी में मैं मैंगो और ग्रेप्स और ये है चेरी, ये तीनों फ्रूट्स मैं यूज़ करूँगी। मैं केला भी यूज़ करती हूँ पर आज मैं केला यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि पुष्कर को केला से स्मूदी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। केला वो खाता है, बनाना वो खाता है, पर उसको उतना अच्छा नहीं लगता स्मूदी में। तो मैं ये 3 फ्रूट्स दे रही हूँ और इसके साथ मैं योगर्ट भी दे रही हूँ थोड़ा सा। तो ये तीनों का, 3 फ्रूट्स का और ये योगर्ट का, योगर्ट को मिक्स करके मैं अभी स्मूदी बनाऊँगी। अभी मैं इसमें डालूँगी पहले ग्रेप्स, फिर मैंगो और अभी चेरी, और मैं दूंगी योगर्ट। और दूंगी शक्कर, शक्कर नहीं दूंगी तो पुष्कर खाएगा ही नहीं, पिएगा ही नहीं।
फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी बज रहा है 4:30, 4:35 और पुष्कर आज गए हैं अभी गिटार के स्कूल में, क्योंकि आज प्रैक्टिस है। आज, कल और परसों, आज कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो 3 दिन उसका प्रैक्टिस के लिए उसको शाम को गिटार के स्कूल से बस भेज रहे हैं। और उसमें तो आज और कल भी था और कल भी रहेगा, मतलब 3 दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, 3 दिन उसका प्रैक्टिस का डे है, क्योंकि फ्राइडे को एनुअल डे है। तो इसलिए वो बहुत ही, मतलब हर शाम को, अभी 3 दिन, ये 3 दिन शाम को बहुत ही बिजी रहते हैं। और आते आते 8:30 भी बज जाता है कभी कभी। तो उसने आज कहा है कि और भी टाइम लगेगा, और आज उसका सिंगिंग का भी क्लास है, तो हम लोग उसको उधर पिकअप करके उसको लेके फिर सिंगिंग के क्लास में देंगे और आएंगे। आते आते पता नहीं कब आएंगे, रात बहुत हो जाएगा, 8:30, 9 तो बज ही जाएगा, 9 से ज़्यादा ही होगा। तो बहुत ही, आज बहुत ही बिजी वाला डे है मेरा। एक्चुअली क्या है, मैं सो गई थी, मतलब 10 मिनट के लिए मेरा आँख लग गया था। मतलब मैं सोचा कि ठीक है, पुष्कर के जाने में अभी तो आधा घंटा बाकी है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो लंच के बाद थोड़ा सा मैं बस ऐसे ही सोया था, मतलब रेस्ट कर रही थी, क्योंकि बहुत मॉर्निंग में उठती हूँ मैं, तो बस आँख लग गया था। पुष्कर भी बिल्कुल सो गए थे, तो उसको, मतलब जब आँख खुला तो देखा मैं, अरे 4 बज गया, और 4:05 पे उसका बस आता है। तो मतलब जल्दी जल्दी करके रेडी हुआ, बस चेंज किया और पुष्कर को चेंज करवाया, बस उसको बस तक छोड़कर आ गई। और अभी मैं मॉर्निंग से बिल्कुल मैं कोई काम नहीं किया यूट्यूब का, कल भी मैं रात में कोई काम नहीं किया यूट्यूब का, क्योंकि कल भी बहुत ही मैं बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं कल, तो कल बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला था। तो आज मुझे टाइम मिला है, तो अभी मैं बैठ के कम से कम 1.5 घंटा आराम से बैठ के मैं यूट्यूब का काम करूँगी, इसीलिए मैं बैठी हूँ। बीच में जाके थोड़ा सा चाय वगैरह लेकर आऊँगी। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था कल, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बना पाई, एक और वीडियो बनाया था एयर फ्रायर के ऊपर, आप वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं अभी नहीं बताऊँगी, मैं आज पोस्ट करूँगी वो वीडियो, तो मतलब वेडनेसडे को पोस्ट करूँगी मैं रात को, और आप देखोगे तो समझ जाओगे, अगर कोई नहीं देखोगा तो ज़रूर देखना। ये बहुत ही अच्छा हुआ है, मैंने एयर फ्रायर के ऊपर बनाया है, मतलब मैं सोचा भी नहीं इतना अच्छा होगा ये, मतलब जो रेसिपी मैंने बनाया वो इतना अच्छा होगा, मैंने सोचा भी नहीं। तो आप ज़रूर वो देखना, शायद आप लोगों को अच्छा भी लगेगा वो मैं जो बनाई एयर फ्रायर के ऊपर, क्योंकि हर बहुत सारे अभी भी बहुत सारी रेसिपीज़ है मेरे पास एयर फ्रायर के ऊपर, लेकिन क्या होता है ना, ऐसे ही तो मैं नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे पहले बना के देखना होता है कैसा होता है वो, फिर मैं आपके साथ दूसरे दिन बना के शेयर करती हूँ। मतलब पहले दिन ही तो इस तरह से बना नहीं सकती ना, वो कैसा होगा पहले मैं खाऊंगी उस चीज़ को, देखूंगी कैसा हो रहा है, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए इतने जल्दी नहीं होता है, कुछ भी रेसिपी मुझे मालूम पड़ता है तो मैं वो खुद पहले ट्राई कर लेती हूँ, उसके बाद दूसरे दिन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, और अच्छी तरह से वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, मतलब जल्दी जल्दी मैं कुछ भी बना के दे दूँ और वो ख़राब हो जाए तो आप लोग ही सोचेंगे क्या बना के दे रहा है, खास करके कुकिंग का जो है। बाकी तो ठीक है, कोई भी, मतलब मेरा जो पर्सनल लाइफ है, वो जो मैं कर रही हूँ, ये तो मतलब नॉर्मल जो है वो तो आप देख ही रहे हो, पर कुछ खास वीडियो होते हैं ना जो कुकिंग के ऊपर जो मैं बनाती हूँ, तो वो अगर मैं खुद पहले ट्राई नहीं करूँगी, अच्छी तरह से नहीं बनाऊँगी वीडियो, तो आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत देर होता है, क्योंकि यूट्यूब का काम ही तो मेरे लिए काम नहीं है, और भी मेरा काम है, मेरा फैमिली है, फिर मेरा और भी काम है, मेरे बेटे हैं, उसको भी टाइम देना पड़ता है। तो सब मिला के जितने भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ नया बनाने की। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताना कैसे लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि मुझे भी जानना है, क्योंकि मुझे आप लोग अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं मोटिवेट कैसे होंगी, मतलब आप लोग का कमेंट मेरा मोटिवेशन है। तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना मेरे वीडियो को, और अगर जो मुझे पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब ज़रूर करना,
मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बना के दूँ। और आपके पास भी कोई सुझाव रहता है, कोई सजेशन होता है तो ज़रूर मुझे बताइए दीजिए, मैं कोशिश करूंगी। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा वो करने में, पर मैं ज़रूर करूंगी, ये मैं वादा करती हूँ, ज़रूर मैं करने की कोशिश करूंगी। और बात करते करते अभी पाँच बजे नहीं है, बजेंगे तो अभी मैं थोड़ा सा और काम है मैं करके फिर मैं चाय पीऊँगी। हाय, तो अभी हम लोग जा रहे हैं और पुष्कर को पहले पिकअप करेंगे, उसके बाद उसका जो जहां वो सिंगिंग सीखता है वहां उसको छोड़ेंगे, फिर घर आएंगे। तो आते आते 9:30 तो हो ही जाएगा, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि अभी 7:45 हो गया है, क्योंकि 7:05 में उसे उधर से पिकअप करना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं पुष्कर को लेने के लिए। और आज बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही है, मतलब मेरे मतलब जल रहा है, मेरे हाथ जो खुला हुआ है वो बिल्कुल जल रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी है। और पार्किंग थोड़ा सा दूर है तो इसलिए जा रहे हैं हम। आप लोग देख सकते हो कितना ट्रैफिक है, बहुत लंबा लाइन है, पता नहीं कब पहुंचेंगे। पुष्कर को हम लोग पिकअप कर लिया है और अभी उसके सिंगिंग का जो क्लास है उधर जा रहे हैं। 7:30 ऑलरेडी हो गया है, 7:30 से ही क्लास है पर 7:30 हो गया है, इतना ट्रैफिक। फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी घर वापस जा रहे हैं, पुष्कर का सिंगिंग का जो क्लास था वो हो गया है और अभी हम लोग घर में जा रहे हैं। अभी बज रहा है 9:15, घर पहुँचते पहुँचते 9:30 हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। और तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन होता है जिसको ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।